हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज हेवन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आसान तरीके से घर में ही मैंगो मटका कुल्फी, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इसे बनाना झटपट शुरू करते हैं। मैंगो मटका कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है। इसे गैस पर चढ़ा देंगे उबाल आने के लिए। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसे चला चला कर गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसकी मलाई को हम इसी में मिलाते जाएंगे और इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से पकाएंगे। इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। दूध काफी गाढ़ा हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। मैंने यह 1 आम पहले से ही काट लिया है। इसे जार में डाल देंगे और ठंडी की हुई रबड़ी को जार में डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसे छोटे छोटे मिट्टी के मटके में भरेंगे। इसके ऊपर बादाम या पिस्ते से गार्निश करेंगे। अब इसको फॉइल पेपर से कवर कर देंगे और इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। कुल्फी अच्छे से जम गई है, अब हम इसे खा सकते हैं। स्वादिष्ट मटका कुल्फी बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।